उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है कि जो भी सीधी भर्ती परीक्षा हो रही है उसके नियमों में बदलाव किया गया और यह नियम स्टूडेंट के फेवर में है। आपको पता है कि यूपीपीएससी में लगातार स्टूडेंट के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था और हो रहा था भी, क्योंकि सीबीआई जांच हुई तो पता चला कि यूपीपीएससी की जो भी सीधी भर्ती परीक्षा है उन सब में धांधलियाँ हुई हैं, ठीक है, उन सब में धांधली हुई है। और होता क्या था सीधी भर्ती परीक्षा में, उसमें इंटरव्यू के आधार पे, इंटरव्यू में जो मार्क्स मिलता था उसके आधार पे सिलेक्शन होता था, ना कि स्क्रीनिंग परीक्षा के मार्क्स के आधार पे सिलेक्शन होता था। होता यह था कि जब बड़ी संख्या में कोई भी भर्ती निकाली जाती थी तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम लिया जाता था, जिसका मेन मोटो था स्टूडेंट को छांटना, ठीक है, ताकि भीड़ कम हो और कम लोगों का इंटरव्यू लिया जा सके। और इंटरव्यू में जो मार्क्स आता था, जितना मार्क्स आ जाए उस मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होता था। पर क्या हुआ कि इसमें इतनी धांधलियाँ होने लगीं और जब नई गवर्नमेंट आई तो इसकी जांच करवाई तो मैक्सिमम सीधी भर्ती परीक्षा में धांधली हुई। तो नया नियम ये बना दिया गया कि अब जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी उसका 50% मार्क्स और उसके बाद जो इंटरव्यू होगा उसका 50% मार्क्स जुड़ के, उस मैं दोनों जुड़ के मेरिट बनेगी और उसके बाद सिलेक्शन लिया जाएगा स्टूडेंट का। इससे क्या होगा, अभी तक जो एकाधिकार आ रहा ना इंटरव्यू बोर्ड में के मेंबर्स का एकाधिकार है, इंटरव्यू में जिसको मार्क्स देंगे वही निकलेगा, तो इसमें सीधी सीधी धांधली हो जाती थी। अब उनका ये भी जो एकाधिकार है टूटेगा। अगर मान लो आपको एग्जाम है 100 नंबर का आपको 50 नंबर आया और इंटरव्यू है 60 नंबर का आपको 30 नंबर आया, तो ये दोनों जुड़ के ही 50-50% मार्क्स जुड़ के ही स्कोर तैयार होगा, मेरिट तैयार होगी और इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इससे क्या होगा कि जो स्क्रीनिंग परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे उनके निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कहीं ना कहीं ये जो धांधलियाँ हो रही थी उस पर एक रोक लगेगी। इससे रिलेटेड जो भी नियम है उसके लिए आयोग ने संस्तुति कर दी है और जल्दी ही यह नियम बन के आ जाएगा। तो यह एक अच्छी खबर है जो भी यूपीपीएससी के सीधी भर्ती परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए कि अब धांधली की गुंजाइश कम हो गई है, आप मेहनत करके इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं।